हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने एक वोटिंग डाली थी जिसमें पोल डाला था, जिसमें बच्चों ने बोला कि हाँ सर, हमें ये सीरीज़ चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो JKSSB के एग्ज़ाम होंगे, कई अदर SSC के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विल लाइफ गार्ड के लिए सिलेबस सबका सेम है, और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है अपकमिंग, वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारी दो सीरीज चल रही हैं, एक सीरीज चल रही है हमारी GK ऑफ JNK, जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और अब चल रही है GK ऑफ इंडिया, इंडिया के रिलेटेड यानी कि होल स्टेट्स के बारे में। इसमें आपके जो मैं बता दूँ, GK ऑफ इंडिया है, इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होंगे मैं आपको बता ही देता हूँ अभी। इसमें आपके टॉपिक होंगे, फर्स्ट टॉपिक जो होगा आपका, इसमें आपका हिस्ट्री भी हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है इंडिया की, और साइंस हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकती है, और आपकी ज्योग्राफी हो सकती है। ठीक है, ज्योग्राफी के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके बाद भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इसी तरह से इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, तो जल्दी से उन पर विजिट करके उनको ज्वाइन कर लो। अगर आपने अभी तक JNK वाले MCQs नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इनकी जो MCQs है इनकी हम अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, JKSSB के जितने भी एग्ज़ाम हैं, अगर जिसमें जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है तो आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है जिसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको JKSSB में आ सकते हैं। ठीक है, JKSSB डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तब वो क्या टिन होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, सोडियम होगा। ठीक है, तो अगर फाइनेंस की बात करूँ, फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन इज द राइट ऑप्शन। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये जो आज का लेक्चर हमारा, हम हमारा डेमो बेस रखे हैं, इसमें हम बहुत कम क्वेश्चन रखे हैं। जो इसके बाद अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा और वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो तभी हम इसका पार्ट टू आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि JNK का भी इसी सीक्वेंस पे वेस्ट था, क्योंकि वहाँ पे व्यूज़ बच्चों ने थोड़ा लाइक किया, डिमांड की कि सेकंड पार्ट भी इसका आना चाहिए, तो इसलिए हमने सेकंड पार्ट भी उनके लिए लेके आए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हमारा, डैश इज़ लोकेटेड इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, कौन सी इनमें से, जो क्या वो का नेशनल पार्क, डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क, ये कौन सा इनमें से जो है कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है राजस्थान की। तो क्या है वो उसका राइट ऑप्शन, वो है आपका सरसिक्का नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड कहाँ पे, अलवर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान की। दोस्तों, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। ठीक है, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द वाटर पोल्यूशन, इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि वाटर पोल्यूशन से नहीं होती है, क्या वो कोलेरा है, टाइफाइड है, अस्थमा है, या फिर डायरिया है। तो जो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूं वो है अस्थमा। अस्थमा जो ऐसी डिजीज़ है जो कि वाटर पोल्यूशन से नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है ब्रिक्स इज द एक्रोनियम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज, 5 इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज है, उसमें एक ब्राज़ील है, एक आपकी रशिया है, इंडिया है, चाइना है। ठीक है, ब्रिक्स एस, और इसकी जो होगी होगी साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स आपकी एस आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, अगर उसका आंसर मैंने यहाँ पे गलत बोल दूंगा, उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। अब आपको एक टॉपिक होगा कल्चर एंड हेरिटेज, तो ये क्वेश्चन वहीं से बनता है, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, अजंता केव्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद भी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, डैश इज ए कंडीशन इन विच देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ रेड सेल्स ऑफ होमोग्लोबिन इन द ब्लड, तो
कौन सी कंडीशंस रहती है जिसमें डिफिशेंसी रहती है रेड सेल्स की आपकी या फिर होमोग्लोबिन इन दी ब्लड में, तो वो आपकी एनेमिया है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है, एनेमिया इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन, तो साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो साइंस भी आपको सिलेबस में है क्योंकि जनरल साइंस स्टोकेस्टियन को सीधा बोल दिया है, जनरल साइंस में कुछ भी आ सकता है। ऑर्गन प्रोड्यूस द इंसुलिन, कौन सा ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, क्या वो लीवर है, थायराइड है, स्प्लीन है या पैनक्रीज है, तो राइट ऑप्शन आपका पैनक्रीज ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को। सो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि आज का वीडियो इतना ही छोटा रखेंगे क्योंकि आज हम थोड़े से ही 6 से 7 क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है, तो कल के जो वीडियो होगा उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ले आएंगे, क्योंकि हम आज सिर्फ देखना चाहते थे कि कितने बच्चे इस वीडियो को लाइक करते हैं और कितने बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये वाला क्वेश्चन जितने भी स्टॉक एस्टेंट के एस्पायरेंट्स हैं उनको इसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन है SI वालों के लिए और फाइनेंस वालों के लिए, ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए और जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम है उनके लिए है, ठीक है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अगर हाँ, यहाँ पे अगर कोई ऐसा पर्सन है जो JKP कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक सेंट्रल लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।